अपने लाइफ में कुछ ऐसे रोल किए जो मुझे करने में बड़ा हिचकिचाता हिचकिचाहट हुई और रोना भी आया। जैसे चांदी बार में एक रोल था जिसमें मैं लड़की के साथ गलत काम करता हूँ, और मेरी एक पिक्चर थी जो अभी आने वाली दिल्ली बस, जिसमें एक बच्ची का मैं रेप करता हूँ, और जागो पिक्चर में छोटी सी बच्ची का रेप करता था। तो इसमें भी इस फिल्म में जो हम लोग तीनों लड़कियों के साथ जो हम लोगों ने गलत काम किया, उसे तकलीफ पहुँचाए, ब्लैकमेल किया मैंने, तो मुझे हमेशा इमोशन रहा, रोना आया इसमें, क्योंकि कैरेक्टर ही ऐसा था मेरा कुछ। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से मतलब एंजॉय किया आपने कैरेक्टर को, किस तरह से चैलेंज था आपके लिए कि एंजॉय किया आपने उस कैरेक्टर को, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर करना तो कर आप काफ़ी समय वक्त से कर रहे हैं। ऐसा कैरेक्टर मिलेगा लाइफ में तो फिर आगे को और एंजॉय करेंगे। नहीं, मैं करता रहूँगा, क्योंकि मैं जितने भी टॉप के स्टार रहे, प्राण साहब, अजीत साहब, तो मैं उनका फैन हूँ। नहीं नहीं, ये तो किसी के धर्म को, रिलीजियस को देश पहुँचाने के लिए तो नहीं किया। मैं वो शर्मिला का है। आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर रविंद्र खरे जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उनकी फिल्म में लिया। वैसे मेरी ये सेकंड हिंदी मूवी है, फर्स्ट मूवी वाज त्रिदेव अलॉन्ग विद करण सिंह ग्रोवर, कुणाल रॉय कपूर, रवि दुबे एंड के मैनन, जो नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी। और इस मंथ इस फिल्म में काम करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, क्योंकि रविंद्र जी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो इतना ईजीली अपने एक्टर्स से काम निकलवाते हैं। सर ने एक सर के साथ मैंने किया है, एंड मुझे सर के साथ काम। ये फिल्म का ऐसा है, वन नाइट आउट, कहानी तो बता ही दी होगी आपको किस कैसे शुरू होती कहानी। तो बेसिकली मैंने इसका टाइटल सॉन्ग किया है, एडेंटॉन का वन नाइट आउट जो सॉन्ग है। खरे जी अपने बहुत अच्छे मित्र है और उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, क्योंकि ऊपर चढ़ने से पहले पहली सीढ़ी ए से शुरू होता है तो आदमी जेड में जाता है, तो ए जो है ये इनकी कोशिश है, और ये कोशिश आप लोग और दर्शक जो है उसको सहारा देके बड़ा बनाएंगे। बस और भी कोशिश करते रहेंगे। आपका धन्यवाद।